बच्चों कैसे हो आप लोग। तो आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने आप लोग को थोड़ा थोड़ा हिंट दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, बोला था आप लोग करके ट्राई करेंगे, जिसने कर लिया वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जिसने नहीं किया वो देख लीजिए, बोल रहा हूँ ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी बी डी, ठीक है। ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए सी बी डी। इसमें ए सी इज इक्वल टू ए डी, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड, क्लियर। मैं मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड आपको बोला है, कोई बात नहीं मान लेते हैं। फिर बोल रहा है कि एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल है। अब ए बी एक लाइन है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये जो है ए बी लाइन वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, कोई भी बोला गया कि कोई एक लाइन है जो किसी एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये एक एंगल है, ठीक है। अब बोला गया कि लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट कर दिया मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये दो एंगल बना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्विल होंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये ए बी एक लाइन था जो इस दोनों को बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, हो गया सारा काम खत्म। इन ट्रेंगल ए बी सी, ऊपर नीचे वाले ऊपर वाले ट्रेंगल और ए बी डी नीचे वाले ट्रेंगल में, सी ए बी इज इक्वल टू डी ए सी, सी ए बी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू डी ए सी मीन्स ये वाला एंगल, हो गया एक क्राइटेरिया मिल गया। और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दूसरा क्राइटेरिया था हमारे पास गिवन था, ठीक है। और ये रीजन लिखा हुआ है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है, ये क्यों मत लिखना, ये मिस्टेक है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, दो ये मतलब दो क्राइटेरिया हमें मिल गया, एंगल वाला मिल गया, साइड वाला मिल गया। अब एक बात बताइए, ए बी जो लाइन है ये ऊपर वाले ट्रेंगल में भी है और नीचे वाले ट्रेंगल में भी है, मतलब दोनों ही ट्रेंगल में कॉमन है, तो ये लिख लिए कॉमन। हमारे पास दो क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया मिल गए, एक तो ये साइड वाला, एक ये एंगल वाला और ये साइड वाला, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, वी कैन से दैट ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रेंगल ए बी डी के, हो गया। छाप लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अब बोल रहा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। बना दिए डायग्राम ए बी सी डी अपने मर्जी से कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए डी इक्वल टू बी सी, यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया कि ए डी जो है आपका ये वाला साइड ये इक्वल है बी सी के, कोई बात नहीं भाई साहब हम मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि डी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी, मतलब डी ए बी मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी ए बी, सी बी ए है ना, सी बी ए मीन्स ये वाला एंगल, देख लीजिए गौर से समझने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिए। तो बोल रहा है प्रूव करिए कि ए बी डी, ए बी डी कहे तो ये ट्रेंगल, सॉरी मिस्टेक, गलत लाइनिंग चला गया, दिखाता हूँ। ए बी डी, ए बी डी कौन सा है, ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, हो गया। ये किसके कॉन्ग्रेंट है, बी ए सी, बी ए सी मीन्स ये वाला ट्रेंगल। ये बोल रहा है हमें कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये जो ब्लू वाला ट्रेंगल है और रेड वाला ट्रेंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कोई बात नहीं कर देते हैं प्रूफ, लिख लीजिए इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी और ए बी डी ट्रेंगल में क्या हो जाएगा भाई साहब, दूसरा कलर में लेता हूँ। देखिए दिया हुआ है क्या आपका, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड इक्वल टू ये साइड गिवन है, हो गया कोई बात नहीं, एक क्राइटेरिया हमने लिख लिया। अब दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं क्या बोल रहा है कि ये लाल वाले ट्रेंगल में क्या है, ये एंगल, इस एंगल का नाम लिख लीजिए बी ए डी, ठीक है, या डी ए बी लिख लिए। ये इक्वल किसके हैं, सी बी ए के मीन्स ये एंगल के, दो क्राइटेरिया मिल गया, मिल गया। अब देखिए ए बी इक्वल टू ए बी मीन्स क्या, ये ए बी लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाल वाले ट्रेंगल में भी है और ब्लू वाले ट्रेंगल में भी है, दोनों ही ट्रेंगल में है, तो तीन क्राइटेरिया मिल गया, दो साइड मिला एक एंगल मिला, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, वी कैन से दैट ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल बी ए सी आर कॉन्ग्रेंट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। हाँ चलिए अब बोल रहा है सेकेंड नंबर पार्ट क्या है कि ए बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी जो है ये ए सी के इक्वल होगा, क्यों नहीं होगा भाई साहब, दोनों ट्रेंगल को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो जब ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल, ठीक है। तो लाल वाले ट्रेंगल का ए बी
ब्लू वाले ट्रेंगल के ए बी की इक्वल है, लाल वाले ट्रेंगल का ए डी ब्लू वाले ट्रेंगल के बी सी की इक्वल है, तो लाल वाले ट्रेंगल का बी डी जो होगा ये ब्लू वाले ट्रेंगल के ए सी की इक्वल होगा, तो लिख देंगे बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है, ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। ए बी डी, ए बी डी मीन्स लाल वाले ट्रेंगल का ये वाला कॉर्नर, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ, ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, लाल वाले ट्रेंगल का ये एंगल, ठीक है, और बोल रहा है कि बी ए सी, बी ए सी ब्लू वाले एंगल का ये, तो क्यों नहीं होगा जब पहला एंगल हमने मतलब दोनों में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल था और ये साइड इक्वल टू ये साइड था और ये साइड इक्वल टू ये साइड था, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, प्रूफ हो गया, तो फिर ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, हो गया बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल। क्लियर। चलिए आप लोग होशियार सिंह है तो क्लियर कैसे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, इसमें बोल रहा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। कोई बात नहीं, एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, जिसपे क्या है ए डी और बी सी एक इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बोल रहा है सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो ये सी डी जो है ये ए बी को बाइसेक्ट करता है, ये हमें बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं कर देते हैं। ए ओ डी और बी ओ सी ट्रेंगल में देखते हैं, ए ओ डी और बी ओ सी मीन्स कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ए ओ डी लाल वाला ट्रेंगल और बी ओ सी ब्लू वाला ट्रेंगल, इन दोनों ट्रेंगल में देखिए क्या है, ये एंगल बी ओ सी और ए ओ डी, ये क्या है ए ओ डी और बी ओ सी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कलर करके दिखाऊं, ये जो एंगल है ये येलो वाला एंगल इस येलो वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट है, लिख दिए कोई बात नहीं, हो गया। अब ये क्या था परपेंडिकुलर, तो सी बी ओ एंगल, ठीक है, या बी ओ सी एंगल, सॉरी सी बी ओ एंगल या ओ बी सी एंगल, ठीक है, जो भी आप नाम बोल लो, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे किसके, डी ओ ए या फिर ओ ए डी, जैसे आप बोलोगे वैसे चलेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सी बी ओ एंगल मीन्स ये वाला एंगल, ओ सॉरी भाग गया मेरा मार्कर, रुकिए लाने दीजिए पकड़ के, सी बी डी मीन्स ये वाला एंगल, सॉरी हाँ सी बी ओ, ओ डी ने ओ, ठीक है, और डी ए ओ ये वाला एंगल इक्वल होंगे, दो क्राइटेरिया मिल गया। तीसरा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, बोला हुआ है कि ए डी और बी सी, क्वेश्चन में क्या था, ए डी और बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब क्या, मतलब ये कि ये वाला जो है लेंथ ये इस वाले लेंथ के इक्वल है, तो लिख लिए गिवेन, ठीक है। तो तीन क्राइटेरिया हमें मिला, दो एंगल और एक साइड, तो लिख दिए एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रेंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ट्रेंगल बी ओ सी, हो गया प्रूफ। लेकिन हमें ये नहीं बोला है, हमने तो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, लेकिन इसने बोल रखा कि सो जाए सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब क्या, सी डी लाइन जो है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे हम इसमें, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ प्रूफ कर लेंगे, अगर ए ओ इज इक्वल टू बी ओ हमने प्रूफ कर लिया तो क्या हो जाएगा कि मिड पॉइंट हो जाएगा वो, अब मिड पॉइंट अगर वो हो गया मतलब क्या, ऊपर का और नीचे का लेंथ सेम है, मतलब क्या ये बाइसेक्ट हो गया, किसने किया, सी डी ने किया, इस लाइन ने किया, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख देंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ ए या ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्यों, क्योंकि सी पी सी टी रूल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल, हो गया, मतलब क्या वो मिड पॉइंट हो गया, जब ये वो मिड पॉइंट हो गया तो रुकिए भाग गया, तो क्या हो जाएगा सी डी लाइन जो है मतलब इसको ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बात लिख लीजिए, लिख लिए सी डी बाइसेक्ट ए बी, हो गया खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू सी फिगर। बोल रहा है कि एल और एम क्या है, दो लाइन है, ठीक है, नहीं है ठीक, रुकिए मार्कर नहीं काम किया, एल और एम दो लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, मिल गया। अब ये बोल रहा है कि इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ये तो दोनों पैरेलल लाइन है और दूसरा और भी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है,
जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कर दिया। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ए बी सी इज इक्वल टू सी डी ए, मीन्स ये जो ट्रायंगल बना ए बी सी और ये जो ट्रायंगल बना सी डी ए, ये दोनों को बोल रहा है कि आप हमें इक्वल प्रूफ करके बताइए। मैं फिर से कलरिंग करता हूँ, ए बी सी ये वाला जो ट्रायंगल बना ब्लू वाला, ये इक्वल टू बोल रहा है प्रूफ करिए कौन रेड वाला के, इसके कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आराम से हो जाएगा। देखिए जो 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 चीज़ दिखा हुआ तो वो पहले हम लिख लिए सारा बातें, उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए, ए बी सी ट्रायंगल और सी डी ए में देखिए ए सी क्या है, दोनों में कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी, कॉमन इन बोथ, लिख दिए। अब देखिए मान लीजिए कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ए सी को मान लीजिए कि एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होएगा, हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, बी सी ए इक्वल टू डी ए सी अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन होते हैं और ए सी एक ट्रांसवर्सल होता है, ये ए सी एक ट्रांसवर्सल होता है, ए सी एक ट्रांसवर्सल होता है, ये दोनों अगर पैरेलल लाइन होते हैं ना, ये दोनों पैरेलल लाइन होते हैं, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होएगा, तो यही बात हमने लिख दिया, क्या दिक्कत है, लिख दिए। चलिए एक क्राइटेरिया ए सी इक्वल टू ए सी मिल गया था, एक अल्टरनेट एंगल का क्राइटेरिया मिल गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब ये एंगल इक्वल टू हमने ये लिखा, तो ये एंगल इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये भी तो अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, तो लिख दिया अल्टरनेट एंगल, तीन क्राइटेरिया मिल गया। तो भाई एंगल साइड एंगल, पहले क्या मिला हमें, एंगल मिला, फिर क्या मिला, साइड मिला, फिर क्या मिला, एंगल मिला, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बोथ ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी इज इक्वल टू सी डी ए, हो गया। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर करते हैं। फाइव नंबर में देखिए, लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, लाइन कोई एल है जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो एंगल ए तो गिवन है आपको, ये रहा आपका एंगल ए, कौन सा एंगल ए, ये लाल वाला, अच्छे से नहीं बना, रुकिए अच्छे से बनाता हूँ, आप लोग कलाकार है ना, हम थोड़ी कलाकार है, हमसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, ये है एंगल ए, लाइन एल जो है ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है, मतलब क्या, ये लाइन मतलब क्या, जब बाइसेक्टर हुआ तो ये एंगल, कौन सा एंगल, पीला वाला एंगल, ये एंगल, और इक्वल टू ये एंगल होएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। और कुछ बोला है, बोल रहा है बी पी एंड बी क्यू, बी पी एंड बी क्यू, दिखाता हूँ आपको बी पी, ये रहा आपका बी पी, ठीक है, और ये रहा आपका बी क्यू, ये क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, ये एक बी पॉइंट है जहाँ से ये परपेंडिकुलर है, यहाँ तक आए समझ में, चलिए अच्छी बात है। द आर्म ऑफ एंगल ए, ठीक है, एंगल ए का जो आर्म है, एंगल ए का आर्म कौन कौन सा है, ये और ये, दो आर्म है, शो दैट ए बी पी इज इक्वल टू, सॉरी कॉन्ग्रेंट होंगे ए बी क्यू के, ए बी पी, ए बी पी मीन्स ये वाला ट्रेंगल, ये येलो वाला जो ट्रेंगल है, ये कॉन्ग्रेंट किसके होंगे, ब्लू वाले ट्रेंगल के, इस वाले ट्रेंगल को, तो ये तो सबसे आसान है भाई साहब, ए बी क्या है, येलो और ब्लू दोनों में ही है, तो लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, ठीक है। अब क्या है, ये वाला एंगल बी क्यू ए, ठीक है, या इसका आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, क्या ए क्यू बी लिख लीजिए, ए क्यू बी इज इक्वल टू ए पी बी, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही 90 है, दो क्राइटेरिया हो गया, और तीसरा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बताइए, बाइसेक्टर है एल, किस एंगल का, ए के, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये तो हमने आपको पहले ही बोल दिया था, मतलब क्या, एंगल बी ए ओ, ठीक है, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू, सॉरी ओ नहीं, ये क्यू, क्यू है ना, बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू या फिर ए क्यू बी बोल लीजिए, इज इक्वल टू क्या, पी ए बी, ठीक है, या हाँ बी ए पी, जो भी बोल लीजिए, इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, तो एक तो 90 डिग्री वाला क्राइटेरिया मिल गया, एक लाइन वाला क्राइटेरिया मिल गया, और एक बाइसेक्टर एंगल वाला क्राइटेरिया मिल गया, तो कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड, देखिए पहले ये एंगल मिला, ये 90 वाला, फिर ये एंगल मिला, फिर ये साइड, तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बोथ एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, आया समझ में,
चलिए, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन हो गए, इसी को आप करके आइए, अगले दिन आप लोग ट्राई करके आइए। कहाँ था क्वेश्चन नंबर, कहाँ है लास्ट 10 नंबर, उससे भी ज़्यादा होगा नहीं, 10 नहीं, रुकिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, 9 भी है क्या, 9 नहीं है शायद, तो 5 मैंने बता दिया, 6 7 8 ट्रैक करके आइए, नहीं होगा तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।